हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 9th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज। और इससे पहले हम लोग क्लास 9th के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, सेकेंड था आपका यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स, और थर्ड चैप्टर मैंने आपको करवाया था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट मेरे ओल्ड वीडियोस पर जाके उन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो टॉपिक है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं। और जब तक यही चीज क्लैरिफाई नहीं होती है तो आगे जो टॉपिक्स आते हैं हमारे उस चैप्टर में कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो देख लेते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज यू नो द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग थिंग, जो जीवित है, राइट? लिव है, जीवित है। नाउ व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस करता है अपनी पूरी जिंदगी में। लाइफ का मतलब क्या होता है? अपनी होल लाइफ, पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस करता है, फंक्शंस करता है। अब ये प्रोसेसेस में दोनों प्रोसेसेस आ जाएंगी, इंटरनल भी आ जाएंगी और एक्सटर्नल भी आ जाएंगी। इंटरनल में जैसे डाइजेशन प्रोसेस हुई, एक्सक्रीटरी हुआ, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, इसके अलावा सर्कुलेशन है। These are the some processes which are performed by a living organism. तो ये तो internal हो गई। यही हम external की बात करें तो external में आ जाता है कि आप किसी environment में रहते हैं तो क्या आप वहाँ के habitat को, वहाँ के environment को क्या adapt कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि किसी भी जगह पर रहने के लिए मेन चीज होती है कि क्या वहाँ के habitat या environment को adapt करवा रहे हैं, क्या वहां आप सरवाइव कर पा रहे हैं। और एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज आ जाएगी, सोशल बिहेवियर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अकेले रहेंगे। यू नीड सम पर्संस टू टॉक, यू कांट लिव अलोन, राइट? सेम एज इट इज, अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। घर चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने के लिए, प्लस जॉब चाहिए। ये एक्सटर्नल प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेसेस करते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, चाहे फिर वो प्लांट्स हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया होगा आपको जो मीनिंग है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। We have studied how digested food or oxygen inhaled by lungs is transported to every cell of the human body. हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से जो फूड है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है थ्रू नोज, इनहेल करते हैं, और फिर हमारा यही डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने खाना स्टोमक में गया और डाइजेस्ट हो गया तो स्टोमक में ही है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज के साथ हमारे ऑल ओवर ब्लड सेल्स में और जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी में, हमें ट्रांसपोर्ट, द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कैरी करके ले जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब शिफ्टिंग, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो शिफ्टिंग होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड। सेम एज इट इज, जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं उसमें भी क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, देन ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। द
फार्मर ऑल्सो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वॉटर फ्रॉम वेल और डैम थ्रू अ मेन चैनल टू एवरी प्लांट। देखा है फार्मर को, आपने कभी नोटिस किया होगा? हाँ सॉरी, फार्मर को आपने कभी नोटिस किया होगा क्या करता है कि एक बड़ा वेल या फिर जो डैम है, वेल यानी कि कुआ और डैम है, तो वहां से वाटर को उसकी जो पूरा एग्रीकल्चर है, पूरा फील्ड है, हर एक पूरे फील्ड और चैनल तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सेम एज इट इज। नेक्स्ट है, द फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, पूरा फूड हमारे डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन वही फूड हमारे ऑल ओवर बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका। दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड वियर ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद क्या होता है हमारा, हाँ यहाँ पर जो एनर्जी जो हमें फूड से मिली, हमारा फूड क्या था, कन्वर्ट हो गया ना, एनर्जी प्रोवाइड करी, प्लस ऑक्सीजन हमारे लंग्स से गई, और दोनों हमारे ब्लड के थ्रू हमारी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रही है, चाहे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, चाहे डाइजेशन की प्रोसेस है, तो वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में होती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, जो भी पार्टिकल है, हमारे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ऑल बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम कि जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे फिर वो फूड हो, चाहे फिर वो एनर्जी हो। तो मेन हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन है क्या, ये तो हमें पता ही है कि जो फूड हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन से अदर बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में एक्चुअली में किसके, किस टिश्यू के सेल्स के थ्रू होता है, मेन हमें ये देखना है। ट्रांसपोर्टेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेस अनदर। एक डेफिनेशन की, एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में या तो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जैसे हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स हम तो लेते तो है नहीं, एक्सटर्नल तो नहीं रहते, प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारी बॉडी में, या कोई जूस रिलीज हो रहा है, लाइक लिवर में जूस हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस सिंथेसाइज यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हम बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्सटर्नल, जैसे फूड हम लोग खाते हैं, तो वो हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाता है, वन पार्ट में जाता है, एंड देन उस वन पार्ट से हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी कि रीच हो जाता है, चला जाता है, और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उससे पहले कि हम लोग प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को पढ़ें, उससे पहले ये दो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं, सिंपल। एंड डू द प्लांट्स आल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू। क्या प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि हमें, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स को। दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन में दो पार्ट पूछ लिए। सबसे पहले पूछा, व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिंपल सा आंसर है, टू गेट न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिनरल्स और जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, या सिंपल होता है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से पूरी होती है। क्योंकि अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, जो हमारी डिफरेंट मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को हमारी बॉडी में कंप्लीट करते हैं, एंड देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सिंपल। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, डू द प्लांट्स आल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू। क्या प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि हमें, सिंपल। इसका आंसर वैसे तो लिखा जाए तो यस, क्योंकि सिंपल एक वर्ड में पूछा है, डू द प्लांट्स, रीजन तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम रीजन इसका पढ़ेंगे। राइट आंसर इसका यस है।
क्यों है? क्योंकि प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स नॉन लिविंग है, दैट दे कांट मूव, दे कांट लोकोमोट, राइट? वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डजंट मैटर कि वो लोकोमोट कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं। लोकोमोशन तो होता नहीं है प्लांट्स में, दो आपके चीजें होती है, एक लोकोमोशन एक मूवमेंट, डिफरेंस है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, अपनी पोजीशन को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब होता है कि आप एक ही पोजीशन पर बैठे हुए हैं, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, बट यू आर आप क्या कर रहे हो, अपने जो लिम्स हैं, हैंड्स और लेग्स हैं, उसको मूव करवा रहे हो। जैसे मैं अपनी पोजीशन पे बैठी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही, आई एम नॉट मूविंग, बट मेरे जो हैंड्स हैं, जो पैन है, दिस इज मूविंग, राइट? इसमें मूवमेंट हो रहा है, बट मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो प्लांट्स में मूवमेंट तो होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता, दैट मीन कि वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करते लेकिन मूवमेंट करते हैं। अब आपको भी मूवमेंट भी कहाँ होता है, वो तो कहाँ हिलाते हैं अपनी स्टेम्स और ब्रांचेस को, देख लीजिए। जब प्लांट्स पे कोई फ्लावर आता है तो पहले बर्ड की फॉर्म में होता है, कली की फॉर्म में, धीरे 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 करके पूरा फ्लावर बन जाता है, दिस इज मूवमेंट। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है ना, वो स्लो होता है बट मूवमेंट होता है। हमारे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो दिख जाता है, लेकिन जब बर्ड एक फ्लावर में चेंज हो रही है पोजीशन, वो उसका जो पेटल्स हैं, क्या वो मूवमेंट ही कर रही है, दिस इज मूवमेंट। सनफ्लावर सन की डायरेक्शन में मूव करता है, क्या ये मूवमेंट नहीं है? सन की डायरेक्शन में मूवमेंट है ना, पोजीशन चेंज कर, अब आई मीन टू से उसने डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा प्लांट्स स्टेम्स या ब्रांचेस होती है, पहले छोटी छोटी होती है, प्लांट्स का पौधा देखिए हम लगाएंगे तो इतना सा होता है, धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा हो जाता है, क्या कर रहा है, ये मूवमेंट है ना उसके अंदर। तो प्लांट्स को मूवमेंट करने के लिए, इसके अलावा प्लांट में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो मूवमेंट करने के लिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खाना बनाने के लिए उसको मिनरल्स यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप नहीं कह सकते कि उसकी मिनरल्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कहा गया है कि जो प्लांट्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, लाइक सनलाइट हुई, वाटर हुआ, अदर मिनरल्स हुए, क्लोरोफिल तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमोसफियर से मिल जाती है, और ऑक्सीजन भी वो सॉइल से अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी रूट्स के थ्रू। बट जो अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हुए, लाइक आपके बहुत सारे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को अपने आप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वाटर हुआ, जितने भी मिनरल्स हैं, तो एक्चुअली में ये सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं प्लांट को कहाँ से मिल रहे हैं? सीधा आंसर लिखिए, सॉइल से, क्योंकि उसे इन्वायरमेंट से क्या मिलता है, उसे इन्वायरमेंट से तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर ली, इन्वायरमेंट से उसे सन की एनर्जी मिल जाती है, बाकी के जो अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, वाटर, वो सब उसको सॉइल से मिलते हैं वाटर के थ्रू। जब रूट्स प्लांट्स की वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, तो उस टाइमिंग पर उस सॉइल में वाटर के साथ साथ जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि मिनरल्स होते हैं, वो सब प्लांट्स क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिंपल आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं दैट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते। देयर आर मैनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी, और हमारे प्लांट बॉडी में जो प्लांट्स होते हैं उनमें वैसे तो लिविंग सेल्स तो होते ही होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कुछ सेल्स उसमें भी डेड सेल्स भी होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं, रीजन भी हो चाहिए ना, बिकॉज दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल्स। क्योंकि प्लांट्स में बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ब्लड थोड़े ना उसमें, हम लोग बात करें एक्सक्रीशन प्रोसेस तो खैर उसमें होती होती है,
रेस्पिरेशन प्रोसेस भी है। तो बहुत सारी फंक्शंस हैं जो प्लांट्स में नहीं होते। लोकोमोशन नहीं करते, लोकोमोशन में सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है। सो कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट्स नीड लेस एनर्जी, और जितनी लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ज्यादा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेड सेल्स होते हैं। प्लांट्स नीड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लांट्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सोडियम। दीज आर सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट्स को नीड होती है अपनी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एंड अपनी डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मतलब कि जो इतना सा प्लांट है वो इतना बड़ा हो गया, कहाँ से हुआ? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुआ। अगर ये इसको नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स को नीड होती है, सबसे ज्यादा कहाँ से मिलते हैं उन्हें? सॉइल से मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यही बताया था कि सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स। सॉइल क्या है? सबसे पास में प्लांट्स की रूट्स कहाँ होती है? सॉइल के अंदर ही तो होती है। और सबसे ज्यादा रिचेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे सॉइल में मिक्स हैं। सो जितने भी प्लांट्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल्स, जितनी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा उसे कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट दैम। प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं? इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से एंड जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। आप लोग 7th में, 8th में, यहाँ तक कि 6th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि रूट्स में हमारे दो टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक होता है हमारा जाइलम टिश्यू, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। और इन टिश्यूज के थ्रू प्लांट्स में जो भी मिनरल्स वगैरह है या वाटर है या फूड है, टिश्यू क्या करते हैं? उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेन यानी कि लीव्स में जैसे खाना बनना है तो लीव से खाना लेके फ्लोएम क्या करेगा? ऑल ओवर प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर प्लांट्स की रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया है तो जाइलम टिश्यूज वाटर को लेके ऑल ओवर प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है दैट देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और प्लांट्स में स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, जो उसके अंदर जो भी मिनरल्स या सब्सटेंसेस है ऑल ओवर प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। द जाइलम कंडक्ट्स द वाटर एंड द फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड। जाइलम का काम वाटर को कंडक्ट करके ऑल ओवर बॉडी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्लोएम का काम होता है लीव्स में जो फूड बनता है वहां से उसे कंडक्ट करके ऑल ओवर प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कंसर्न्ड विद दीज कंडक्टिंग टिश्यू। और हमारे प्लांट में उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं या रूट्स होती हैं, प्लांट के ऑल ओवर पार्ट में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे पूरी सिर्फ स्टेम्स या ब्रांच में, प्लांट के हर एक पार्ट में दो टिश्यू या फिर इससे ज्यादा जो अलग डिफरेंट टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से एक जाइलम और फ्लोएम भी है जो कि वाटर और फूड को मेनली प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अभी हमने जो पढ़ा बेटा वो ये पढ़ा कि प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी हमने यही पढ़ा ना, प्लांट्स में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का होता है एंड फूड का होता है। इसके अलावा सबसे पहले हम यह डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर
इन प्लांट्स। दैट मीन कि प्लांट्स में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए आपके सामने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रूट प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर रूट प्रेशर, इसमें पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं फिर हम इसके जो इसकी समरी है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बीकर लिया, उस बीकर में ऑसिन सॉल्यूशन डाला, एक ऑसिन सॉल्यूशन हो गया, थोड़ा सा रेड कलर का सॉल्यूशन लिया एक बीकर में, एंड देन वहां पर एक प्लांट को डिप कर दिया, लगा दिया, उसको एक दो हफ्ते के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ स्टैंड, स्टैंड मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, जो स्टैंड लगाया गया ना आपको दिख रहा है स्टैंड, उसको सपोर्ट करने के लिए, अदरवाइज गिर जाएगा तो अंदर। अब उसको एक दो हफ्ते के लिए छोड़ दिया। जब हमने इसको एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद देखा तो हमने क्या देखा कि इसकी जो स्टेम थी और इसकी जो वेन्स, जो लीव्स वाला पार्ट था वो रेड कलर में टर्न होता है। एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेम थोड़ा सा रेडिश आपको दिख रहा होगा, जो लीव्स, जो वेन्स वाला पार्ट है वो भी आपको रेडिश दिख रहा होगा, क्योंकि इसको क्वासी सॉल्यूशन में डिप किया था, ओजिन सॉल्यूशन जो कि रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। अब हम इसको देखते हैं ना, व्हाट इज रूट प्रेशर। टेक अ स्मॉल प्लांट लाइक बेल्सम और ट्यूबर रोज विद इज रूट्स इंटरटेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लांट लेना है, बेल्सम का ले लीजिए, ट्यूबर रोज ले लीजिए, जिसमें रूट्स होनी चाहिए, है ना, आपने बस ऐसी स्टेम से तोड़ के रूट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। वॉश एंड क्लीन इट्स, उसकी रूट्स को ना वॉश, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी होगी थोड़ा सा गंदा होगा, उसकी वॉश कर लीजिए, क्लीन कर दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, नाउ कीप इट इन द वाटर कंटेनिंग अ स्टेन लाइक सैफ्रिन, सैफ्रिन और ओसिन। अब उसको ना एक वाटर कंटेनिंग बीकर में डाल दीजिए जिसमें सैफ्रिन और ओसिन का सॉल्यूशन है। नाउ ऑब्जर्व द स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीव्स आफ्टर टू टू और 3 आवर्स। यहाँ पर तो मैंने जैसे आपको 1 से 2 हफ्ते का बताया, आप इसको 2 से 3 घंटे के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इसमें जो चेंजेस है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो। 1 से 2 हफ्ते के बीच में तो पूरा प्लांट रेड हो जाएगा उसको जो भी इसमें पूरी तरीके से, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद उसकी जो कुछ प्लांट्स की रूट्स, जो ब्रांचेस या स्टेम्स लीव्स होगी उसमें तो कुछ कुछ डिफरेंस आने लगेगा। तो अब 2 से 3 घंटे बाद आप क्या देखोगे बेटा, एक सेकेंड, यहाँ से 2 से 3 घंटे बाद आपने देखा कि इसकी जो स्टेम्स और वेन्स थी वो थोड़ा सा रेड कलर में टर्न हो गई है, ये चीज नोटिस करी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो रूट प्रेशर का मतलब है वो ये मतलब निकल के आया कि जो प्लांट्स का वाटर एब्जॉर्ब या मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो रूट्स होती है। क्या होती है वो, रूट्स होती है। रूट्स को आप जैसे इन्वायरमेंट, जैसे कंडीशन में रखोगे वो उसी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे ह्यूमन या एनिमल्स होते हैं ना, आपको जैसा मौसम आता है आप उस मौसम या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का जो चेंजेस है वो आप कर लेते हो। किसी आप दूसरे इन्वायरमेंट में गए वहां के हैबिटेट को अडेप्ट कर लोगे। तो यहाँ पर रूट्स होती है जो वाटर के पूरे एडेप्टेशन को चेंज कर देती है। जैसे कि आपने यहाँ देख लिया, क्या किया यहाँ पर, रूट्स को एक सैफ्रिन सॉल्यूशन में रखा और पूरी रूट्स ने उस वाटर को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी जो लीव्स या स्टेम्स थे वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। तो रूट्स ने या पूरे प्लांट ने अपने आप को एडेप्ट नहीं किया हर जगह से, सिर्फ रूट्स ने उस एनवायरमेंट को एडेप्ट किया और पूरे प्लांट को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। दे तो हमने देख लिया कि रूट्स एब्जॉर्ब करती है, बट एक्चुअली में कैसे करती है अब ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको प्लांट्स की रूट्स दिखाई दे रही है, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इस रूट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्योंकि जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सिर्फ कौन से टिश्यू की बात करेंगे, जाइलम टिश्यू की बात करेंगे। यहाँ पर ये रूट्स हैं, रूट्स का एक जो जितनी भी रूट्स प्रेजेंट होगी उसमें टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होगा, जाइलम। फिर जाइलम के ऊपर एक और यहाँ पर आपको लेयर दिखाई देगी, दीज आर द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट और रूट्स। फिर यहाँ पर आपको सॉइल पार्टिकल्स दिखाई देंगे, दीज आर द पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
और ये बड़े रॉक पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रूट ईयर आपको दिखाई दे रही है, रूट ईयर्स भी होते हैं, जैसे ये रूट होती है ना इतनी बड़ी, तो उसमें छोटे छोटे रूट ईयर्स निकले रहते हैं, जो मेन फंक्शन होता है ना वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वो रूट ईयर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके आसपास सॉइल के पार्टिकल्स थे, कुछ बड़े पार्टिकल्स थे, कुछ छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, और इसमें क्या था, वाटर प्रेजेंट था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे रूट ईयर्स है, वाटर सबसे पहले किसकी अंदर एब्जॉर्ब हुआ, रूट ईयर्स ने एब्जॉर्ब किया। आपने कभी भी रूट देखी है, तो ये तो रूट्स होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ इस तरीके से हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, लाइक दैट, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो, ये रूट हेयर्स होते हैं। तो मेन सबसे पहले जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो रूट के हेयर्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, रूट हेयर में एब्जॉर्ब हुआ। रूट हेयर में एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले कौन सी लेयर में एंटर हुआ, कॉर्टेक्स लेयर में एंटर हुआ। कॉर्टेक्स लेयर का एक थोड़ा सा फंक्शन समझ लीजिए कि यहाँ पर कॉर्टेक्स लेयर का फंक्शन क्या है। वाटर जब सॉइल में प्रेजेंट होता है तो उस टाइमिंग पर ना उसके पास साथ में बहुत सारे टॉक्सिक हमारे क्या है, सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें फालतू की होंगी जो प्लांट्स को नहीं चाहिए, मिनरल्स तक तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीजें भी तो हो सकती है ना। तो सबसे पहले जो वाटर में यहाँ पे रूट एयर्स में एंटर हुआ, तो यहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होंगे। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स वाली लेयर को क्रॉस करेगा। ये कॉर्टेक्स लेयर क्या करती है, ये कॉर्टेक्स लेयर जितने भी वाटर में अलग टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको यही छोड़ लेती है, यही एब्जॉर्ब कर लेती है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक हैं, वो कॉर्टेक्स लेयर क्या करेगी, उसको यही एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पर जाइलम में जो वाटर एंटर होता है वो प्योर वाटर होता है, वाटर होगा प्लस मिनरल्स जो कि रिक्वायरमेंट है वो होंगे। ये जाइलम में जाता है, जाइलम पहले यहाँ आती, फिर ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, फिर इस तरीके से जाइलम क्या है, ऑल ओवर प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट रहती है, और इसी तरीके से जो जाइलम ट्यूब के थ्रू जो वाटर है अप डायरेक्शन में एंटर होता चला जाता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो जाइलम का जो कंडक्शन होता है ना वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसा है, यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल का मतलब है प्लांट हमेशा अप डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन यानी कि अपर डायरेक्शन में जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आता। ध्यान रखिएगा भाई, नीचे से तो वैसे भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो नीचे कैसे आ सकता है। कई बार ही आपके क्विज में, एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि जो जाइलम का कंडक्शन है वो यूनि डायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल। सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, अप डायरेक्शन में कभी भी इस तरीके से नीचे की साइड वापस नहीं आता। यहाँ पर क्या कि सबसे जो मेन स्ट्रक्चर था वाटर को एब्जॉर्ब करने का वो आपका रूट ईयर। सबसे पहले रूट ईयर्स में वाटर मिनरल्स जो भी था सब कुछ एंटर हो गया। कॉर्टेक्स लेयर आई, कॉर्टेक्स लेयर ने वाटर के साथ जो भी अदर टॉक्सिक सब्सटेंस बैक्टीरिया थे वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए, एंड देन वाटर और मिनरल्स हमारे कहाँ एंटर हो गए, जाइलम टिश्यू में एंटर हो गए। और इसी तरीके से बहुत सारे जाइलम टिश्यूज हैं जो कि हमारे ऑल ओवर प्लांट बॉडी से कनेक्ट रहते हैं और पूरे प्लांट को वाटर की सप्लाई कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ। ओके, क्लियर है सब लोगों को भाई। अभी ये हमारी स्टार्टिंग थी इस चैप्टर की, जिसमें से हमने फर्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा प्लांट्स में ही पढ़ा, और आगे जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। कहते हैं ना, पहले किसी चीज को सिंपल चीज से स्टार्ट करिए। प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है या जो भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे इजी होता है कंपेरिजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, यही एनिमल्स की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसको समझने के लिए बेटर है कि हम लोग पहले सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, जो कि हमने किया। ओके, अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लांट्स का, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हार्मोन्स का हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए यही है, बाकी का आगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।